हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी है आज। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। और अभी 12 बज रहे हैं अराउंड। सो अभी मैं नहा वहा के रेडी हुई थी। इससे पहले तो सिर्फ घर का छोटा मोटा काम हुआ था, जैसे क्लीनिंग वगैरह। अब होगी असली प्रिपरेशन शुरू। दैट मीन्स हम लोग डेकोरेट करेंगे कृष्णा के बैठने की जगह, झूला बनाएंगे और उसके बाद कृष्णा को डेकोरेट करेंगे, कृष्णा को तैयार करेंगे। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ, अभी कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है, एक्चुअली 2 घंटे तो लग ही जाएंगे ये सारी चीज़ें होते होते। सो चलिए हम इसको डेकोरेट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं और मज़े करते हैं जन्माष्टमी की। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर, मैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। लेट्स गो। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है कृष्णा को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना और उनको तैयार करना, नए कपड़े पहनाना सुंदर सुंदर, क्योंकि आज जो है इन्हीं का दिन है और हम सब इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उसके बाद से हम लोग सब कुछ डेकोरेट करेंगे, इनके आसपास का ये टेबल और इनका झूला बनाएंगे। कुछ झूला वगैरह थोड़ा बहुत बना दिया है मैंने, बट वो टूट गया था तो फिर से चिपकाया है। और ये रहे कृष्णा, इनको भी डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग। और ये जो झूला टूट गया था तो इसको अच्छे से चिपकाया मैंने। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए क्लिप्स लगाई है और यहाँ पे डेकोरेशन के कुछ आइटम्स लगाएंगे। और इन सारे डेकोरेशंस में और इन सारी चीज़ों में जीवा भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। आगे देखिए वो कितना ज़्यादा मज़े कर रही है। अब थोड़ा सा बलून से भी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। और इस चीज़ के लिए ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो खुद ही आई थी सब कुछ बलून से डेकोरेट करने के लिए, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। जब वो डेकोरेट हो गया और उसको उसने देखा हुआ था लास्ट ईयर का कि काना को झूले में झुलाना होता है, तो ये एक्साइटेड थी और तभी बोल रही थी कि सबको कि अभी काना जी को झुलाना है। तो वो बैठा कर काना जी को झुलाने लगी और बहुत खुश हो रही थी, बहुत उसको मज़ा आ रहा था। सो इसी तरीके से हम लोगों को भी मज़ा आ रहा था और उसके साथ हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। सो अब 2 घंटे की मेहनत के बाद ये आउटकम आ गया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। टाइम हो रहा है 2:00। सो अभी हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम में तैयारी। तो ये था मेरा फलाहार भोजन। और मैं फलाहार में भी सेंधा नमक या नमक वाला कोई खाना नहीं खाती हूँ, मैं मीठी चीज़ें ही खाती हूँ। सो ये मैं खा रही हूँ रामदाना, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, दूध और थोड़ा सा चीनी और उसके बाद से 2-3 बनाना। यही था मेरा ब्रेकफास्ट, लंच चाहे जो भी कह ले। सो यही था। और मैं पूरे दिन फ्रूट ही खाया मैंने। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी तो इतना खाना ही खाने में बहुत मज़ा आया और फटाफट से खा लिया हमने।
सो यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना सुंदर मौसम हो गया था। थोड़ी बहुत बारिश भी हुई, बट इस टाइम तक काफ़ी अच्छा मौसम था और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। और हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत रेस्ट तो कर लेंगे, बट ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इसने रेस्ट करने का नाम ही नहीं लिया। और इसने बोला मुझे कृष्णा बनना है, मुझे डेकोरेट करो। सो मैं इसका थोड़ा बहुत रेस्ट करके लाइक हाफ एन आवर, उसके बाद इसका मेकअप करना शुरू किया मैंने। और इसको बहुत मज़ा आ रहा था, आप देख ही सकते हैं, और ये कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और पेशेंटली सारा मेकअप करवाया इसने। लोगों ने नेल्स लगा लिए हैं, जीवा ने राइट हैंड में लगाया, मैंने लेफ्ट हैंड में। कैसा लग रहा है बेटा? राइट लेफ्ट राइट। पर आप ये बताइए, आपको ये नेल्स कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मेकअप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेकअप भी अच्छा लग रहा है। अब हम ड्रेस चेंज करेंगे क्या? ड्रेस चेंज करेंगे। ये तैयार होने के बाद ये थोड़ी कुछ इस तरीके से लग रही थी। तो थोड़े बहुत वीडियोस निकाले हमने, फ़ोटोज़ निकाली, और फ़ोटोज़ ये निकलवा ही नहीं रही थी, बट एक ही दो कुछ फ़ोटोज़ अच्छे आए हैं। एंड हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, पूरा दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और ये था इवनिंग का मेरा स्नैक्स, जो कि जिसमें से सारे पोमोग्रेनेट्स फिर से जीवा ने ले लिए मेरे से। और ये हमने शाम को थोड़ी और लाइटिंग्स वगैरह ऐड कर दी, भोग वोग लगाया, शाम को आरती हुई, और ये रहा पूरा डेकोरेशन। अच्छा लग रहा था काफ़ी। अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बस कुछ इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया कृष्ण जन्माष्टमी, और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आपने कैसे सेलिब्रेट किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।